लोजपा को तोड़ने वाले पशुपति पारस से अब चिराग पासवान बदला लेने में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चुन चुन कर उनके सांसदों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आज दिल्ली में आरएलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में पशुपति पारस गुट के सांसद महबूब अली कैसर नहीं पहुंचे। बैठक में ना जाना तो ठीक, बात तब बिगड़ गई जब वो चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए और चिराग पासवान को अपना समर्थन दे दिया। ये पशुपति पारस के लिए तीसरा झटका है। पहला झटका तब लगा जब सांसद वीणा देवी चिराग के साथ गई। दूसरा झटका तब लगा जब चिराग ने एनडीए के साथ सीट बंटवाने पर बात कर ली। माना गया कि हाजीपुर से चिराग ही लड़ेंगे और पशुपति पारस वहां से नहीं लड़ेंगे। और अब तीसरा झटका तब लगा जब उनके सांसद महबूब अली कैसर संसदीय दल की बैठक को छोड़कर चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। महबूब अली कैसर के साथ सांसद वीणा देवी भी मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि वीणा देवी ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता किया और महबूब अली कैसर और चिराग पासवान की मुलाकात करवाई। चिराग से मुलाकात के बाद कैसर ने कहा कि चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, खगड़िया से चुनाव लड़ने का पूरा इरादा है। वहीं आज चिराग पासवान की एक और तस्वीर एक्स पर दिखाई दी। उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठे हुए थे और चिराग ने उस तस्वीर पर लिखा कि आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तस्वीर पर लोगों ने खूब कमेंट किए और लिखा कि आज रामविलास पासवान होते तो चिराग आप पर वो गर्व करते। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस के आवास पर बैठक हुई। ये माना जा रहा था कि चिराग और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक होने के बाद आज पारस गुट बैठक करके कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है, कुछ बड़ा निर्णय ले सकता है। लेकिन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को गठबंधन का नेता मानने पर सर्वसम्मति बनी। ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर आगे काम किया जाएगा, वो गठबंधन के नेता है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस गुट की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसके बारे में हम आपको बता सकें। आज हालांकि एबीपी के साथ बातचीत में पशुपति पारस ने यह कहा कि वो मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि भाजपा ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पशुपति पारस क्या इसके लिए तैयार होते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर वो बीजेपी के साथ कैसे डील करते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।